एक आईआईटी या आईआईटी प्रोफेसर का नाम आने पर आपके जेहन में क्या आता है? लग्जरी लाइफ स्टाइल, चमचमाती गाड़ी, बंगला और सुकून की जिंदगी, शायद यही न। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आईआईटी से मिलवा रहे हैं जिसके पास ये सब पाने का ऑप्शन था, लेकिन उसने सुकून के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। गरीब आदिवासियों के लिए संघर्ष। आलोक सागर आईआईटी दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर हैं। वो पिछले दिनों अचानक से तब चर्चाओं में आए जब घोड़ा डोंगरी उपचुनाव के दौरान पुलिस ने उन्हें वेरिफिकेशन के नाम पर थाने बुलवा लिया। आलोक पिछले 26 सालों से आदिवासी बहुल गांव कोचामू में रह रहे हैं। दिल्ली और अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद एक शख्स ऐसा भी हूँ जो बेहद सादगी के साथ जीवन जी रहा है। गाड़ी, बंगला, आराम की जिंदगी से कुछ सुदूर ये शख्स सादगी की मिसाल है। आलोक सागर के बारे में ज्यादा लोगों को इसलिए भी नहीं पता लग सका क्योंकि उन्होंने खुद भी कभी अपनी डिग्री के बारे में ज्यादा किसी से चर्चा नहीं की। कुछ ही दिनों पहले छपी खबरों में उनका नाम सामने आया जब इंटेलिजेंस ने उन्हें संदिग्ध व्यक्ति समझकर अपनी पहचान बताने को कहा। इसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई और जीवन शैली को लेकर जो खुलासा किया उसे पढ़कर आप भी हैरान रह जाएंगे। आलोक 90 के दशक में आदिवासी श्रमिक संगठन के अपने साथियों के जरिए मध्य प्रदेश में पहुंचे और तब से यहीं रच बस गए। उन्होंने 1966-71 में दिल्ली आईआईटी से बीटेक किया और फिर यहीं से वर्ष 1971-73 में एमटेक करने के बाद पीएचडी करने के लिए राइस यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन का रुख कर लिया। पीएचडी के बाद उन्होंने 1.5 साल यूएस में जॉब भी की और फिर 1980-81 में वापस भारत आकर दिल्ली आईआईटी में एक साल पढ़ाया भी। आलोक सागर बीते 32 वर्षों से मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्र में रह रहे हैं। आपको बता दें कि आलोक सागर ने आईआईटी दिल्ली में पढ़ाया भी है। इससे भी खास यह है कि उनके पढ़ाए गए छात्रों में से एक छात्र पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी।